नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कानपुर की अर्बन डांस एकेडमी में ट्रेनर की दरिंदगी का शिकार हुई स्कूली छात्राओं का दर्द सुनकर उनका बयान दर्ज करने वाली महिला कांस्टेबल भी फफक फफक कर रो पड़ी। उन्होंने एक एक करके तीन बच्चियों के बयान लिए। उनकी आपबीती सुनकर महिला कांस्टेबल ने अपने सीनियर अफसरों से कहा, साहब उस दरिंदे को छोड़िएगा मत। बच्चियों की पीड़ा सुनते ही वो खुद रो पड़ी। बच्चियों ने बताया कि ट्रेनर उन्हें एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर डेढ़ घंटे पहले बुलाता था, कहता था कि तुम्हें स्टार बनना है तो मैं जैसा बोलूं वैसा करो। हम उसे अपने शरीर को छूने से रोकते तो वह कहता कि स्टार कैसे बनोगी। वीडियो भी बनाता था। पहले कुछ दिन हम चुप रहे, लेकिन कुछ दिनों बाद वो हमें हमारे उन्हीं वीडियो को दिखाकर ब्लैकमेल करने लगा। पहली बच्ची ने बताया कि आर्यन सर मुझे एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर एक घंटा पहले एकेडमी पर बुलाते थे। अकेले डांस सिखाने के बहाने पहले मेरे शरीर के अलग अलग अंगों में हाथ लगाकर गंदी बातें करते थे। मना करने पर कहते थे कि ऐसे तो डांस कभी नहीं सीख पाओगी, तुम्हें तो मुंबई की डांस इंडिया डांस में हिस्सा लेना है, तुम्हारे अंदर डांस की प्रतिभा छिपी हुई है और तुम्हें स्टार बनने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरी बच्ची ने बताया कि म्यूजिक बजाकर कमरे के अंदर मेरे कपड़े उतार दिए और जबरन अश्लीलता करते हुए मोबाइल से वीडियो बना लिया था। मैं डर के मारे रोने लगी तो कहा कि घर में किसी को मत बताना, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा, फिर तुम्हें कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अगर किसी को पता चला तो मैं अपने हाथ की नस काट कर मर जाऊंगा। मैंने मम्मी को बताने की सोचा लेकिन हिम्मत नहीं हुई। तीसरी बच्ची ने भी यही कहानी सुनाई। कहा, मैंने मम्मी को कई बार बताने की सोचा लेकिन आर्यन सर के डर और धमकी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ी। वो बार बार हमें वीडियो वायरल करने की धमकी देता था। रेप और अश्लीलता का शिकार तीन बच्चियों ने गोविंद नगर पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए हैं। छात्राओं ने बताया कि बैच के समय से एक घंटे पहले क्लास में बुला लेता था, इसके बाद केक बन करके अश्लीलता करता था। जांच में यह भी सामने आया कि पारी पारी से वह बदल बदल कर छात्राओं को डांस अकेडमी में अकेले बुलाता और फिर उनके साथ अश्लीलता और रेप करता था। पूछताछ और उसके मोबाइल में मिले वीडियो से इस बात की पुष्टि हुई है, क्योंकि डांस एकेडमी में कोई अलग कमरा नहीं था, हॉल में ही वह डांस सिखाता था। डांस क्लास में पढ़ने वाली पीड़िता का मेडिकल कराने के लिए गोविंद नगर पुलिस ने उनकी मां को संदेश दिया। मां ने बताया कि बेटी का एग्जाम लगा हुआ है, मेडिकल कैसे कराएं, बड़ी मुश्किल से तो संभली है। महिला पुलिसकर्मियों ने परिवार को समझाकर भरोसे में लिया और अब जल्द ही पीड़ित छात्राओं का मेडिकल कराने के साथ ही उनका मजिस्ट्रेटी बयान भी कोर्ट में कराया जाएगा, इससे कि आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके और मामले में जल्द चार्जशीट दाखिल हो सके। गोविंदनगर इंस्पेक्टर रोहित तिवारी ने बताया कि जब शुरुआती जांच में आरोपी का मोबाइल खंगाला गया तो वीडियो नहीं मिले, मगर उस पर शक था, इसलिए पुलिस ने उसके सख्ती से पूछताछ की। तब उसने बताया कि गूगल ड्राइव में सभी वीडियो सेव हैं। उससे पासवर्ड लेकर जब गूगल ड्राइव ओपन किया गया तो उसमें सभी 14 वीडियो मिले थे। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि किसी को वीडियो ना दिखे इसलिए उसने गैलरी से वीडियो डिलीट कर दिए थे। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल कब्जे में लिया है, उसकी फॉरेंसिक लैब में जांच कराई जाएगी। मोबाइल से डिलीट किया गया डाटा रिकवर कराने का प्रयास किया जाएगा। आशंका है कि मोबाइल से ऐसी और भी वीडियो व अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य मिल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएस।